स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा सागर में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्यापम ग्रुप टू सब ग्रुप फोर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जाम के लेवल की, तो मैथ इजी टू मॉडरेट रहा, कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे, बाकी इजी थे, और एडवांस के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। हिंदी इजी आई थी, इंग्लिश इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट इसलिए क्योंकि हम लोगों की इंग्लिश होती ही अच्छी है, तो मॉडरेट तो हम उसे लेके ही चलते हैं, अदरवाइज इंग्लिश इजी थी। अब अगर बात करें साइंस की, तो साइंस काफ़ी हार्ड थी, स्पेशली फिजिक्स में डेरिवेशंस पूछे हुए थे, और कंप्यूटर मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन सिंपल थे और कुछ अच्छे लेवल के थे। अगर हम बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में मोस्टली मैथ ही था, तो इजी थी, कोई ऐसा अलग से हटके कोई क्वेश्चन नहीं था, एक दो क्वेश्चन अच्छे थे। अगर हम बात करें जीके की, जीके इजी टू मॉडरेट, जिसने बहुत अच्छी पढ़ी है उसके लिए भी, और जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए भी, क्योंकि या तो सिंपल आता है या फिर हटके ही आता है, खासकर एमपी के क्वेश्चंस। अब बात करें अगर मैनेजमेंट की, तो इसे हम कहेंगे भगवान भरोसे, क्योंकि मुझे नहीं लगता 95% या 99% ऐसे होंगे जिन्होंने मैनेजमेंट कभी नहीं पढ़ा, तो उनके लिए तो भगवान भरोसे है। और अच्छी बात यह थी कि इसी के क्वेश्चंस ज्यादा भी आए थे। चलिए अब आगे देखते हैं। यूट्यूब पे जैसे कुछ चैनल्स हैं जो सेंटर पे जाके रिव्यू ले रहे थे, या पर्सनल कुछ मेरे भी फ्रेंड्स हैं जिनसे मैंने रिव्यू लिया है, तो उससे एक चीज तो कंफर्म होती है कि आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट थे जिनके नंबर 50 to 100 थे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई थिंक 65% तो ऐसे होंगे ही होंगे जिनके नंबर 50 से 100 के बीच थे, और वो इसलिए थे क्योंकि वो इस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे। उन्होंने तो फॉर्म आया, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद फॉर्म आया था, तो उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, एग्जाम देने चले गए, तो उनके मार्क्स 50 to 100 ही रह गए। बाकी जो लड़के थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे थे, या उन्होंने मतलब और किसी एग्जाम के लिए अच्छा पढ़ रखा था, उनके भी 100 to 120 नंबर्स आए हैं। कुछ लड़के हैं जो मेरे परिचित के भी हैं, उनके 130 to 145 मार्क्स आए हैं, जो कि इंटेलिजेंट हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब फ्रेंड्स, होता क्या है, व्यापम के एग्जाम की अगर हम बात करें, 100-120 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिन्हें किया जा सकता था, बाकी क्वेश्चंस में तुक्के। अब जिसके तुक्के जितने ज़्यादा सही लगे हैं उसके उतने ज़्यादा मार्क्स आए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी कितना भी पढ़ने वाला हो वो 160 या उससे ज़्यादा नंबर पढ़ के लगा सकता है। अगर उससे बोल दिया जाए कि तुक्के या माइनस मार्किंग अगर लगा दी जाए तो नहीं आ सकते। अब इसमें मेन खेल जो सिलेक्शन का रहेगा, वो जहाँ तक है मेरे हिसाब से तो तुक्कों का ही रहेगा, जिसके जितने ज़्यादा सही वो क्वालिफाई कर जाएगा। अब अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, हो सकता है आप लोगों को ये थोड़ी ज़्यादा लगे, पर हाल ही में जो पैटर्न रहा है उससे इतना तो समझ में आता है कि कट ऑफ हाई ही जाती है, क्योंकि अगर लास्ट ग्रुप फोर की अगर हम बात करें, तो CPCT 80 समथिंग कट ऑफ रही थी उसकी, और नॉन CPCT जो ARI की पोस्ट थी वो तो 90 तक चली गई थी। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, और इस बार सीटें भी तो कम हैं। जनरल की अगर हम बात करें तो ना केवल वो सीटें हैं, 10-12-15 सीटें हैं, ओवरऑल ही 250 हैं, इस वजह से कट ऑफ हाई ही रहेगी। आई नो मोस्टली जो मार्क्स हैं वो 100 to 130 के बीच में हैं, बट ये मेरा पर्सनल मानना है कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, हो सकता है आप लोग इससे सहमत ना हो। अगर हम बात करें CPCT के साथ, तो मेरे हिसाब से जनरल 155 प्लस रहेगा, इससे ऊपर ही जा सकता है, मुझे नहीं लगता इससे कम रहेगा। EWS 152, OBC
150, एससी 145 और एसटी 140। अब अगर हम बात करें विदाउट सीपीसीटी, नो डाउट हाई रहेगा, 170 प्लस, ईडब्ल्यूएस 160 प्लस, ओबीसी 162 प्लस, एससी 155 प्लस और एसटी 150 प्लस। आपको इससे ज़्यादा ही मिलेगा, इससे कम देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ कि अगर जिन लोगों को कंप्यूटर की प्रिपरेशन करनी हो वो हमारे चैनल से कर सकते हैं। मैंने डिटेल में चैप्टर वाइज वीडियो डाल रखे हैं पहले से ही। बीच में मेरा चैनल काफ़ी टाइम से बंद चल रहा था, अब मैं दोबारा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आपको कंप्यूटर में जैसे कि एमएस ऑफिस और एमएस एक्सेल से स्पेशली काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, खासकर सीपीसीटी वालों के लिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि उसका लेवल काफ़ी हार्ड रहता है। और एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस से बहुत डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा उसमें। मैं आपको अपना चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, साथ ही मैं उसका आपको एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ, जैसे कि फाइल एक्सटेंशन, सिक्योरिटी, प्रिंटर, फंडामेंटल, कंप्यूटर लैंग्वेज, मेमोरी, इस टाइप के पहले से मैंने काफ़ी चैप्टर्स डाल रखे हैं ऑलरेडी। और मैं दोबारा से और डिटेल में एमएस ऑफिस को यहाँ पर कवर करूँगा। तो आप में से जो चाहते हो वो इस चैनल पर जा सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आप पर पहुंच जाएं। थैंक यू।